सबसे पहले शानदार तस्वीरें जम्मू कश्मीर से निकल कर आ रही हैं। श्रीनगर में डल झील की सैर करने वाले सैलानियों का लुत्फाबाद दोगुना हो चुका है। यहां आने वाले पर्यटक वाटर का आनंद ले रहे हैं और जॉगिंग का लुत्फ सैलानियों के कश्मीर टूर का यादगार बना रहा है। रांची में झारखंड प्रीमियर लीग फुटबॉल की शानदार शुरुआत हुई। इस मौके पर भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया भी मौजूद रहे। टूर्नामेंट को लेकर खिलाड़ियों में जबरदस्त जोश है। शानदार मुकाबले को देखने के लिए दर्शकों में उत्साह है। पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन में वायुसेना के जांबाज पायलटों ने आसमान में पराक्रम दिखाया। मॉक एयर कॉम्बैट देखने के लिए वायुसेना के बड़े अधिकारियों के साथ कई रिटायर्ड अधिकारी भी मौजूद रहे। एमपी के गोविंदपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संत शिरोमणि ग्लोबल स्किल पार्क का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने बच्चियों को उपहार देकर सम्मानित किया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उत्तर प्रदेश की बस्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महर्षि वशिष्ठ अस्पताल का दौरा करके अस्पताल में इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मरीजों से बातचीत करके उनके हालचाल जाने। दिल्ली में बीएसएफ के डीजी ने जवानों को मेडल देकर सम्मानित किया। इन जवानों ने देश भर में चलाए जाने वाले तरह तरह के ऑपरेशन में शानदार परफॉर्मेंस से मिसाल पेश की। तस्वीरें गुजरात के सूरत से निकल कर आ रही हैं। यहां के बाजारों में नवरात्र की रौनक अभी से देखने को साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बाजार तरह तरह के सामानों से पट चुके हैं, लोग खरीदारी में भी जुटे हैं। सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में देश के अलग अलग हिस्सों से कपड़ों की डिमांड आ रही है। इसे पूरा करने के लिए कारोबारी और कारीगर जुटे हैं। इस त्योहारी सीजन में कारोबारियों को काफी मुनाफे की भी उम्मीद है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सतीश धवन स्पेस सेंटर की देखरेख में स्पेस वीक का आयोजन किया गया। इसका मकसद अंतरिक्ष के प्रति आम लोगों और छात्रों में जागरूकता पैदा करना है।